हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी लर्न यूट्यूब चैनल। देखो पिला माने, आज आम आम कौन लॉजिक प्लस टू सेकेंड ईयर लॉजिक रो गुटे विषय आलोचना करिबा, गुटे सेट आलोचना करिबा जेटा कि परीक्षा पड़ी। एक प्रश्न गुड़ी को प्राक्टिस कर दियो, निश्चित भाव सब प्रश्न परीक्षा आसव 100% यही प्रश्न ही आसव। तुम्हें देख आठ दसटा सेट जो परीक्षा परीक्षा प्रश्न पत्र आलोचना कर दियो, प्राक्ट कर दियो, निश्चित भाव से ही भितर सब क्वेश्चन आसव। आउ शॉर्ट क्वेश्चन जमीती का मार रख, लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित भाव से ही अनुसार मार्क मिल। शॉर्ट क्वेश्चन जब भल मार्क रख, लॉन्ग क्वेश्चन तीन मार दी मारिका पूरा फुल फुल पाइपर। ठीक अच्छे, बर्तमान आम देखा गोटे मसीहा क्वेश्चन केमी क्वेश्चन पड़ता से ही क्वेश्चन गुड़िया प्राक्ट कर, मसीहा क्वेश्चन भितर सब पड़ो। तेणु भिडियो को लाइक कर, लिंक सेयार कर, और जे मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे, देख प्रथम प्रश्न हूँ ए तर्क वाक्यर क्यों पद व्याप्त होता है। ए तर्क वाक्यर क्यों पद व्याप्त होता है। देखो आम जानते आ तर्क वाक्यर व्याप्त उद्देश्य व्याप्त विधेय व्याप्त। देखो उद्देश्य विधेय सम देख आ र्याप्त अव्याप्त ए रण उभय पद व्याप्त, इ तर्क वाक्यर उभय पद अव्याप्त, ओ तर्क वाक्यर अव्याप्त व्याप्त। जानते सब तेणु केटा ए तर्क वाक्य मागिची, ए तर्क वाक्यर क्यों पद व्याप्त, क्यों पद उभय पद, उभय उद्देश्य विधेय उभय पद व्याप्तटा है। देखो यहाँ के मन रख, मूल देख बुझा सब प्राक्ट हो। देख ये व्याप्त अव्याप्त लिखाई, ये लिखाई अव्याप्त व्याप्त है, आर व्याप्त अव्याप्त। देख छुआ मैंने तुम भावु सार कहीं तौक मुह कर मोर लाइव क्लास। देख ये मोर ट्यूशन चलती ऑफलाइन क्लास होला, से तुम्हें भावन जे सार कहीं सब तौक मुह कर बुझाऊँ छुआ मैंने बस चला। ओके ठीक अच्छे, देख आ तर्क वाक्यर उद्देश्य व्याप्त विधेय कौन अव्याप्त, आ ए तर्क वाक्यर उभय पद व्याप्त। देख ये व्याप्त व्याप्त ता उल्टा अव्याप्त व्याप्त के मन रख, आ उभय पद व्याप्त, इ उभय पद अव्याप्त। जान पाल ये तो ए उभय पद व्याप्त, इ उभय पद अव्याप्त, आर व्याप्त व्याप्त आउ ओर अव्याप्त व्याप्त है। क्यों तर्क वाक्यर उभय पद व्याप्त ताने उत्तर हो तर्क वाक्य है। एक नंबर, दुई नंबर सी कहे क्यों एक वैकल्पिक फलन। देख पे वैकल्पिक फलन क्यों एक वैकल्पिक फलन, चार्टा लेखा देखिए ऑप्शन आमर तीसटा क्वेश्चन ऑप्शन 15टा आउ डेस्पुर 15टा। तेणु क्यों एक वैकल्पिक फलन, वैकल्पिक फलन तार आकार बेले बेले पड़े वैकल्पिक फलन आकार आकृति केमी का ना देख क वैकल्पिक डाइटा क उल्टा भी ख तुम कह सर आम तो अलग पढ़ाई। देखो छुआ मैंने ये दुई प्रकार पुराणा बही नुआ बही, जेहेतु पुराणा बही से चेज करना बेले बेले छुआ मैंने लिख दिखती क भी खाला वैकल्पिक फलन एटा थी एटा थी दीटा जदि थी तेल तुम्हें एटा ठीक एटा भूल, किंतु बेले बेले एटा भी चेंज है ना छुआ मैंने वैकल्पिक फलन एटा भी लिखी दिखती से जेटा लिखने भी मार्क मिले क्या काटन दी दीटा सारे मार्क मिले है। यहाँ हूँ नुआ पाठ क उल्टा भी खा वैकल्पिक यहाँ हूँ बीजजक जी एटा न दे कि पुराणा अनुसार क्वेश्चन पड़ी एटा पड़ थो या लिख वैकल्पिक जी एटा न दे कि केवल यहाँ देव अलग देने यहाँ लिखते पड़ो ना मार्क मिलन है। तेणु वैकल्पिक फलन क्या क उल्टा भी ख वैकल्पिक यहाँ हूँ बीजजक बुझिपाल जो एटा न देटा लिख या पुराणा थी वैकल्पिक है। ओके देख छो मैंने दिशृंग जुक्ति केतोटी प्रकार भाद अच्छी, दिशृंग जुक्ति चार प्रकार दिशृंग जुक्ति सरल भावात्मक सरल निषेधात्मक जटिल भावात्मक आ जटिल निषेधात्मक है। समस्त मनुष्य विचारशील प्राणी, देख समस्त मनुष्य विचारशील प्राणी प्राणी अटे है, समस्त मनुष्य विचारशील प्राणी एटा क्यों प्रकार व्याप्ति संपर्क अच्छी आम जानचे समव्याप्ति अविषम व्याप्ति दुई प्रकार। तेणु ये आमर उद्देश्य यहाँ हूँ देख गोटे हूँ आमर मनुष्य पद आ गए विचारशील पद दीटा पद जदि आम कारण रु कार्य कार्य रु कारण जदि समव्याप्तता थी कह समव्याप्ति
देखो मनुष्य तार व्यापकता जी विचारशील व्यापकता सत्यकी मनुष्य जी विचारशील प्राणी के विचारशील प्राणी जी मनुष्य कौन सत्यकी सत्यकी जन तेज समव्याप्ति जमीका मुझे लिखी समस्त समस्त बनी बनीमान वस्तु धूमवान समस्त बनीमान वस्तु धूमवान बर्तमान देख बनी मान निया निया जी जगार अच्छी धूआं से जगार अच्छी कि नाई आम उल्टा लिखा देख आम समस्त धूमवान वस्तु लिखा समस्त धूमवान वस्तु बनीमान देख ये समस्त धूमवान वस्तु बनीमान जी जगार धूआ अच्छी से जगार निश्चित भाव अच्छी है धूआ थे निश्चित भाव अच्छी किंतु जी जगार निति जगार धूआ अच्छे कि नहीं ताले धूमरु आम बनी जापारे कि बनी रु धूम को सब क्षेत्र आसीपारे ना तेणु ये सामान व्याप्ति ना व्यापकता ना तेणु यहाँ हूँ विषम व्याप्ति किंतु ये समस्त मनुष्य विचारशील प्राणी यहाँ हूँ समव्याप्ति कहीं मनुष्य जी अच्छा विचारशील प्राणी से विचारशील प्राणी जी ताने से माने ही मनुष्य सेकी ताले हला व्याप्य और व्यापक सम विस्तृति ये अच्छी से कौन है समव्याप्ति आम प्रश्न थी यहाँ एट समव्याप्ति है कौन हम विषम व्याप्ति बा असम व्याप्ति है निष्काम कर्मर तात्पर्य कौन निष्काम कर्म जेटा हूँ कामना रहित कर्म आम कम करवा कि फल प्रति आशा करवा ना है निष्काम कर्म कर्म माने कर्म ने बाधिकरस्तु बाधिकारस्तु माँ फल फलेशु कदाचन है कर्म तुम अधिकार अच्छी किंतु कर्म फल तेणु कर्म फल आपे मिल कराऊ थाए मुई मबिनु अन्य गति ना है मु करुचु एवं करुचु किए भगवान सब करमें कि करुण निर्देश मध्यम करुच तेणु फल ऑटोमेटिक मिल आपे मिल तुम परीक्षा भल पाठ पढ़ थो निश्चित भाव फल आपे मिल ठीक अच्छे तेनाली निष्काम कर्मर तात्पर्य कौन निष्काम कर्मर तात्पर्य हूँ कामना रहित कर्म है कामना रहित कर्म ठीक अच्छे अहिंसार प्रयोगात्मक दिगटी को कौन कह जाए अहिंसार प्रयोगात्मक दिग देख सत्याग्रह सत्य प्रति आग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह है सत्याग्रह एटा हूँ अहिंसार प्रयोगात्मक दिग सत्याग्रह सत्य प्रति अनुरक्त सत्य प्रति आग्रह है सत्यानुराग सत्य प्रति अनुराग सत्याग्रह है ठीक अच्छे तापर मिल केतोटी परीक्षण पद्धति पद्धतिर व्याख्या दे मिल केतोटी पद्धतिर व्याख्या दे पांचटी पांचटी पद्धतिर व्याख्या देखा छुआ मैंने पांचटी कौन कौन अन्याय अन्याय व्यतिरेक है सहचारी परिवर्तन पद्धति संयुक्त पद्धति परिशेष पद्धति है पांचटी पद्धति तापर बुझीपाल तो पांचटी पद्धति है मिल्क पद्धति मिल्क पांचटी पांचटी पद्धति विषय व्याख्या देपर मिल्कर क्यों पद्धति को द्विधान्वय पद्धति कह जाए मिल्कर क्यों पद्धति द्विविध अन्याय दीटा अन्याय भावात्मक अन्याय आउ अभावात्मक अन्याय दीटा अन्याय केटा संयुक्त संयुक्त पद्धति मिल्कर संयुक्त पद्धति को द्विधान्वय पद्धति कहती द्विविध अन्याय पद्धति कहती है दीटा अन्याय भावात्मक अन्याय आउ अभावात्मक अन्याय से कौन संयुक्त संयुक्त पद्धति तापर देख परवर्ती प्रश्न जल तरल बरफ जल अतः बरफ तरल देखो छुआ मैंने जल तरल अटे खाली तरल है बरफ जल अतः बरफ तरल ये निश्चित भाव दस के जी जात हो बरफटे तरल तो नुहे बरफ कठिन बरफ तरल लिखाई
तो निश्चित दस ही देख कि दस ये औपाधिकता दस केमिता देख जलर साधारण अवस्था कौन तरल जल साधारण तरल जलर तापमात्रा कमिले कठिन हो बरफ हो जलर तापमात्रा बढ़िले जलय बाष्प से बांफ जेटा है तेणु जलर साधारण अवस्था किंतु तरल है जल साधारण लिखा साधारण साधारण अवस्था है जलर एक विशेष अवस्था हूँ बरफ आ जलर एक विशेष अवस्था हूँ बांफ विशेष अवस्था माने तापमात्रा बढ़िले बरफ हो तापमात्रा कमिले जलय बाष्प हम तेने लिखा कौन ये विशेष विशेष अवस्था ताले जलर साधारण अवस्था तरल जलर विशेष अवस्था बरफ ता देख ये मध्यम पद कौन है जल जल है पक्षपद कौन बरफ बरफ ये तरल देख ये औपाधिकता औपाधिकता मान गोटे उपाधि है अवस्था देख जलर साधारण अवस्था तरल है जल किए ना जल भितर जाऊ बरफ बरफटा मध्य से जल जलय बाष्प भी जल तेख जहाँ साधारण भाव सत्य जहाँ साधारण भाव सत्य विशेष क्षेत्र में सत्य रूपे जी ग्रहण कर ना तेज औपाधिकता दश जात हम जहाँ साधारण भाव सत्य अर्थात जलर साधारण अवस्था तरल है बुझल यही तरल गुणटा जलर विशेष अवस्था किए बरफ देख यही कौन यहीटा हूँ पक्षाभवटा जलर विशेष अवस्था को दर्शाई दल जलर साधारण अवस्था तरल तार गोटे विशेष अवस्था किए आ जगह लिखिद बरफ तेरे बरफ तरल आ जगह लिखिद जलय बाष्प जलय बाष्प तरल किसी बुझीपालना जलर साधारण अवस्था तरल यही जलर विशेष अवस्था किए लिखाई लिखाई विशेष अवस्था किए बरफ तेल से विशेष अवस्था को जदि सही क्षेत्र में प्रयोग करवा सही तरल कह तबे अवस्था क्षेत्र में तेणु औपाधिकता दश जात हम बुझीपाल ताले जहाँ साधारण भाव सत्य माने जलर साधारण अवस्था तरल सत्य से तरल को तार विशेष अवस्था क्षेत्र में जी प्रयोग करवा सिद्धांत देख बरफ तरल तेणु ये औपाधिकता दश जात हम उपाधि दुष्ट दश है क्वेश्चन टा बारंबार पड़े डायरेक्ट यही क्वेश्चन पड़ी थी तार क्यों दस जात हम लिख औपाधिकता दस तापर जदि क सत्य हुए बुझीपार बोले कि हाला देख पे जदि क सत्य हुए वीडियो को लाइक कर जदि भल लगुच निश्चित लाइक कर आ लिंक शेयर कर सब सांग लिंक शेयर कर 100% सबुटा पूरा क्लीयर कर बुझाऊँगी परीक्षा निश्चित पड़ो यही प्रश्न पड़ो 50 क्वेश्चन मुझे सिलेक्शन देमी 100 एक मारिका सब क्वेश्चन पड़ थोड़ा तुम सबुटा पड़ थोड़ा एक मारिका ही पड़ो सिलेक्शन देख जदि क सत्य हुए है कटा सत्य देख सत्य मान वन जान प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र सत्य वन मिथ्या जीरो जदि क सत्य आ ख मिथ्या है मिथ्या मान जीरो तेज क आपादन ख रूल्य कौन हम ताल देख तयम हो सत्य मिथ्या मिथ्या हम आ सब क्षेत्र में सत्य हम है वन जीरो जीरो सत्य पूर्वक सत्य अनुग मिथ्या ताले मिथ्या हम ये जीरो लिखनी से सत्य मिथ्या कही मिथ्या लिख सत्य ओ ख मिथ्या को आपादन खर मूल्य कौन हम मिथ्या है मिथ्या लिख सत्य वन लिखाई सत्य लिखाई क सत्य ख मिथ्या क उल्टा शिख क आपादन खर मूल्य कौन हम मिथ्या ता नियमटा हूँ वन जीरो जीरो है सत्य मिथ्या मिथ्या जी सत्य सत्य थी सत्य सत्य मिथ्या सत्य थिले सही सत्य आ मिथ्या मिथ्या थिले भी सत्य है सब क्षेत्र में सत्य केवल सत्य मिथ्या थिले कौन हम मिथ्या पूर्वक सत्य अनुग मिथ्या आपादन आपादक फलन मूल्य कौन हम मिथ्या जीरो है मिथ्या लिख एक जटिल भावात्मक द्विशूण युक्ति सिद्धांत कौन हम जटिल द्विशूण युक्ति पे जटिल भावात्मक द्विशूण युक्ति जदि जटिल देखिए सिद्धांत निश्चित भाव लिख आगुरी वैकल्पिक लिखा होता है वैकल्पिक वैकल्पिक कि वैकल्पिक चेंज कौन है
बीजजक देखिबो बीजजक बीज जक बुझिपाल जटिल थिले सिद्धांत मनक द्विशृंग युक्तिर जदि जटिल देइतिबो निश्चित भाव से बीजजक आउ जदि सरल देइतिबो सिद्धांत कौन हम निरपेक्ष सिद्धांत देइतिले निरपेक्ष ना सरी सरल देइतिले सरल द्विशृंग युक्तिर सिद्धांत निरपेक्ष आ जटिल द्विशृंग युक्तिर सिद्धांत बीजजक हला बीजजक बीजजक ओके ताले एक जटिल से भावात्मक दौ बा निश्चितात्मक दौ जहा दौ आम सरल देखला माने सिद्धांत हम निरपेक्ष आउ जटिल देखिले सिद्धांत हम बीजजक ओके तापरे मु आर प्रकार तुम देख छो माने एटा तुम प्रश्न पढ़ुन खाली केवल केवल शुणु छो मु पीडीएफ करि जत पढ़ेमी प्रश्न भी तुम स्क्रीन देखि परिबो निजे पढ़ी परिबो उत्तर भी सहजरे दे परिबो केवल एठी ए वीडियो रे केवल तुम्हें कौन एटा बुझिया पाई सुविधा ब्लैक बोर्ड रो हला तनो एठी केवल सुनत प्रश्न एवं उत्तर दबो हला ओके कमेंट करियो सब उत्तरटा कौन हबो तुम्हें आगे कमेंट करियो ओके तापर देखो पिला माने देची हां केउ संस्थान रे सामेनेस एको वैध न्यायरूप सामेनेस चारिटी संस्थान रो न्यायरूप सिख दबो निश्चित भाबरे तुम्हें दशमार पाख पाई दिबो खाली न्यायरूप किछि नै प्रथम केडा द्वितीय केडा तृतीय केडा चतुर्थ केडा दी मारिया पड़ो गोटे दी मारे निश्चित पड़ो हाला चार्टा लिखिदेव दी मार पाइबर रूपातरीकरण से देख समान अक्षर प्रथम अक्षर सामान जान हाउ देख पे मैंने के संस्थान सामान्य से वैध न्यायरूप चतुर्थ संस्थान रहा के संस्थान चतुर्थ संस्थान रामान्य से वैध न्यायरूप कौन कौन ए खाली चार्थ लिखी लिख चतुर्थ लिख हाउ पे चतुर्थ संस्थान न्यायरूप किए ना ब्रामांटिप सामेनेस डिमारिस फेसापो फेसिसन है सामेनेस टा चतुर्थ है सामेनेस चतुर्थ संस्थान न्यायरूप के संस्थान सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक होता है के संस्थान रे द्वितीय संस्थान रे द्वितीय संस्थान सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक होता है द्वितीय नंजर्थक आउ तृतीय आंशिक बा विशेष केमिति का देख द्वितीय संस्थान न्यायरूप किए ना सामेस्ट्रेस सा आ मे स्ट्रे सिद्धांत है से सा रे बा रु कु फे स्टी नु ताले ए आ उ ए ओ दीटा सर कौन ए उ एटा हूँ नंजर्थक तुमको सार विशेष हो कि एटा विशेष हेल्ले ये तो सार्विक एटा विशेष बा आंशिक तो सार्विक ये सार्विक हेल्ले ये विशेष आंशिक तेणु परिमाण अनुसार सब सामान नुहे कि गुण अनुसार सबुड़ा कौन नंजर्थक है द्वितीय संस्थान सिद्धांत कौन है नंजर्थक आउ तृतीय संस्थान सिद्धांत सब विशेष बारंबार कह द्वितीय पढ़ने नंजर्थक तृतीय पढ़व आंशिक सब पढ़े तृतीय आंशिक कमी बाला देखा देख डी आ डी सेमदा डा टी सी डी डारप्टी डाटी सी डी सा मिस फे लाप्टो हला फेलाप्टन फे रिसन बो का डो देख सब उड़ा सिद्धांत ई आ उ ई ओ माने कौन से आंशिक तर्क वाक्य बा विशेष तर्क वाक्य बुझिपाल द्वितीय संस्थान नंजर्थक आ तृतीय संस्थान विशेष बा आंशिक हला तापर एक त्रिपजुक्ति केतोटी तर्क वाक्य थाए तुम्हें जान त्रिपजुक्ति तीनो तर्क वाक्य प्रथम दीटा हेतु वाक्य प्रथम दीटा दीटा तर्क वाक्य हेतु वाक्य आ तृतीयटा सिद्धांत प्रथम तर्क वाक्य कह साध्यावयव द्वितीयटा पक्षावयव तृतीयटा सिद्धांत तीनो तर्क वाक्य हेतु वाक्य हेले दीटा है इ तर्क वाक्य समवर्तन क्यों तर्क वाक्य इ तर्क वाक्य समवर्तन पे मैंने देख समवर्तन आर समवर्तन जान ई समवर्तन संभव नुहे समवर्तन चतुर्थ नियम लंघन हो तर्कवाक्य समवर्तन संभव हो पार ना है आर समवर्तन किए ई अलग हाला मान अलग मान गुण सामान है कि परिमाण भिन्न ये सार्विक ये आंशिक कि ए र ई एटी गुण परिमाण समान
एठी भी गुण परिमाण समान तले ए दीटा होची सरल समवर्तन आ एटा होची असरल समवर्तन बा आंशिक समवर्तन बा विशेष हला असरल बा आंशिक समवर्तन ओके तले कहिची ई तर्क वाक्य रो समवर्तन केउ तर्क वाक्य ई तर्क वाक्य समवर्तन सेई ए थिले सेई ए तर्क वाक्य आ आ थिले ई तर्क वाक्य बेले बेले पड़ी जाए चाला करी की प्रश्न ओ तर्क वाक्य रो समवर्तन डैश तर्क वाक्य छुआ मैंने भावती ओ तर्क वाक्य मांगी डैश तर्क वाक्य डैश तर्क वाक्य मान गोटे बसईदे जहाँ जे तर्क वाक्य बसईदे कि तर्क वाक्य रो समवर्तन संभव नुहे बुझीपाल तो ओ रो समवर्तन संभव नुहे बुझिब एटा सब पड़े डैश समय पड़े हला बेले बेले पड़ज तीन मारिका पड़ज ओ तर्क वाक्य समवर्तन तुम्हें से बुझेब जे प्रमाण कर देखे जे लास्ट देखे ओ तर्क वाक्य समवर्तन संभव नुहे हला आउ बेले बेले पड़ जाए तीन मारिका निषेध भित्तिक समवर्तन निषेध भित्तिक समवर्तन ता माने ओ तर्क वाक्य समवर्तन संभव नुहे किसी तर्कशास्त्रविद मैंने ओ तर्क वाक्य को निषेध भित्तिक समवर्तन कर ठीक अच्छे तुम ऑप्शन टा पंद्रह सरला तापरे आउ पंद्रह डैश पूरण ओके डैश संस्थान पक्षावय सर्वदा नंजर थक आमर प्रथम संस्थान सरी भूल कहीदे सदर थक है डैश संस्थान पक्षावय सर्वदा सदर थक प्रथम संस्थान साध्यावय सार्विक पक्षावय सदर थक मु गोटे देखे दौ देख एट मंडे जीव देखिले पूरा मंडे जीव प्रथम संस्थान बारबारा सेलारेन दारी फेरी उठा साध्यावय पक्षावय ये सिद्धांत प्रथम संस्थान प्रथम संस्थान देख पक्षावय सबुटा कौन एटी गुण सामान सदर्थक है पक्षावय कही सार्विक सब ना कि सबुटा आंशिक ना नंजर तो गोटे कि ना सबुटा कौन सदर्थक ताले प्रथम संस्थान पक्षावय कौन सदर्थक आध्यावय कौन सार्विक साध्यावय प्रधानत्व वाक्य सार्विक पक्षावय अप्रधानत्व वाक्य सदर्थक ओके तापरे द्वितीय संस्थान डेस्ट वैध न्यारक अच्छी द्वितीय संस्थान कैतरी वैध न्यारक अच्छी आमर टोटाल उन्नीस न्यारक प्रथम चार द्वितीय चार तृतीय छ चतुर्थ पांच टोटाल उन्नीसटा मन रखा पड़ो कह द्वितीय संस्थान रे चार चार छ पांच प्रथम चार द्वितीय चार द्वितीय संस्थान कैतरा चार्ट न्यारक है चार वैध न्यारक जिते बड़े प्रधान पद ओ मध्यम पद मध्य समव्याप्तता न थाए मुझी जदि हेतुपद हेतु आध्य मध्य संबंध से कौन व्याप्ति व्याप्ति संबंध क्या हेतु व साध्य धूआ व निया मध्य संबंध व्याप्ति संबंध तेणु जदि मध्यम पद किए धूआटा मध्यम बा हेतु आउ निटा हूँ साध्य हेतु और साध्य मध्य जदि समव्याप्तता न थाए कौन कह विषमव्याप्ति हला द्वितीय संस्थान ताले पिला माने द्वितीय संस्थान कतोटी वैध न्यारक अच्छी चार प्रथम चार द्वितीय चार तृतीय छ चतुर्थ पांच टोटाल पड़ो मोट त्रिपयुक्ति कतोटी वैध न्यारक अच्छी उन्नीस हला द्वितीय संस्थान कतोटी चार प्रथम कतरा चार्टा तृतीय कतरा छा चतुर्थ कतरा पांचटा ताल द्वितीय मागिच द्वितीय चारोटी सरी जा पा हाँ हाँ ठीक अच्छे तापर एक त्रिपयुक्ति हेतु वचन एक त्रिपयुक्ति गोटे हेतु वचन नंजर्थ कले सिद्धांत कौन हम नंजर्थ कमर क्षेत्र नंबर साधारण नियम छ नंबर षष्ठ साधारण नियम पांच नंबरटा उभय हेतु वाक्य नंजर्थ कले सिद्धांत निशुद्ध हम ना छ नंबरटा गोटे हेतु वाक्य नंजर्थ कले सिद्धांत नंजर्थक मैंने जमीटा प्लस माइनस कौन हम माइनस प्लस इंटु माइनस यदि प्लस माइनस माइनस है कि माइनस प्लस से ही माइनस बुझिपाल तेल गोटे हेतु वाक्य जदि माइनसटा नंजर्थक हुए प्लसटा सदर्थक हुए तेल गोटे हेतु वाक्य नंजर्थक हेल्ले सिद्धांत नंजर्थक क्वेश्चन मुझे बारंबार कहूँ आगुरी व्यतिरेक को डे सहमति कह जाए
कारण अनुपस्थिति देख उपस्थिति अन्वय बा सहमति देख डेस व्यतिरेक को डेस सहमति को आजे कारण अनुपस्थिति सहमति को व्यतिरेक कारण उपस्थिति उपस्थिति सहमति को अन्वय आहेतु व्यतिरेक कही व्यतिरेक व्यतिरेक अनुपस्थिति है अनुपस्थित कारण अनुपस्थिति सहमति को कौन कहती व्यतिरेक कहती डेस संस्थान हेतुपत टी उभय हेतुवचन उद्देश्य ही थाए देख ये देख तृतीय संस्थान रही उद्देश्य विधेय उद्देश्य विधेय एटी मध्यम पद के अच्छी म म प अ उभय हेतुवचन उद्देश्य स्थान में मध्यम पद अच्छी क्यों संस्थान यह तृतीय संस्थान जानच प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है तृतीय संस्थान म ये अच्छी म म प अ तृतीय संस्थान में मध्यम पद के अच्छी उभय हेतुवचन उद्देश्य तापरे जदि वर्षा हुए जदि सूर्यता तेज आलोक था से एका जिनस देख पिला माने एडी जदि देखिबा कोन जदि सूर्य थाए पिला माने एति थाउ हला मु परवर्ती वीडियो रे मु तुम क्लियर कर देमी समस्त वीडियो को लाइक कर आउथरे लिंक शेयर करो जे माने सब्सक्राइब कर न सब्सक्राइब करो हला पिला माने समस्त समय गोटे गोटे समय सब्सक्राइब करो हला ओके थैंक यू धन्यवाद परवर्ती वीडियो तुम्हें सब डिटेल बुझिपारे ओके थैंक यू।